हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताऊंगा कि रबर लेटेक्स से बैलून कैसे बना सकते हो। जो बैलून आपको अगर बनाना है तो कैसे बना सकते हो, ठीक है। उसका कंपाउंडिंग क्या है, उसके क्या स्टेप्स है, क्या क्या स्टेप्स है, आपको आज मैं सिखाऊंगा, ठीक है। सो फर्स्ट इज आपका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में आपको मैं दिखा रही ये जो ये पोर्शन में आपको क्या है, आपका मॉल्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। मॉल्ट को पहले जो 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 भी मॉल्ट है आपका, जो भी डिज़ाइन है बेलून का, तो उस हिसाब से मॉल्ट होगा। उस मॉल्ट को आपको पहले क्लीन करके उसको कोआगुलेंट में डिपिंग करना पड़ेगा। कोआगुलेंट के बाद तो उसको ड्राई करना पड़ेगा, ठीक है। ड्राई करने के बाद लेटेक्स कंपाउंड में डिपिंग करना होगा। अभी लेटेक्स कंपाउंड डिपिंग कैसे, लेटेक्स कंपाउंड कैसे आएगा, आपको रॉ मटेरियल आपको इनपुट करना पड़ेगा। इनपुट करने के बाद उसको रॉ मटेरियल के आज का कंपाउंडिंग फार्मूला के हिसाब से आपको मिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद आपको लेटेक्स मिल जाएगा आपको डिपिंग के लिए। सो लेटेक्स डिपिंग पे डिपिंग करने के बाद आपको जो मॉल्ड है, मॉल्ड डिपिंग करने के बाद आपको बीडिंग करना पड़ेगा। बीडिंग करने के बाद स्लोली डिपिंग करना पड़ेगा। उसके बाद ड्राई करना पड़ेगा। उसके बाद स्ट्रिपिंग होगा, क्वालिटी चेक होगा, उसके बाद पैकिंग होगा, ठीक है। तो फर्स्ट इज इंपोर्ट, सॉरी फर्स्ट इज कंपाउंडिंग फार्मूला। कंपाउंडिंग में क्या है, आपको 60% लेटेक्स चाहिए, तो लेटेक्स बेस से तो 60% लेटेक्स आपको चाहिए जाए। तो उसके बाद है के वाई सोल्यूशन चाहिए, 10% 50% सल्फर सोल्यूशन चाहिए। उसका जो लगभग हर प्रोडक्ट का जो एक ही पैरामीटर है, जो आपका प्रोडक्ट केमिकल्स है सेम ही लगते हैं। एक एक्सेलेटर है, एक एक्टिवेटर है, ठीक है, और वल्कनाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे फिल्टर चाइना के लिए आपको मिल जाएगा। चाइना के लिए फिल्टर आपको चाइना के लिए यहाँ पे डाल सकते हो। जो रबर का क्वांटिटी रिड्यूस करना है तो चाइना के लिए से, जो चिप आपको प्रोडक्ट अगर चिप करना है तो आपको चाइना के लिए डालना चाहिए, ठीक है, डाल सकते हो आप। उसके बाद कलर जो है डिजायर आपका जो भी है, जिस कलर को आप लेना चाहते हो वो कलर आप यहाँ से डाल के रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसको एक कंपाउंडिंग को 24 आवर आपको रख देना चाहिए, जहाँ जिस कंटेनर भी आप रिपेयर करें। उसके बाद ही प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पहले जो रॉ मटेरियल्स इनकमिंग करना पड़ता है, क्या क्या रॉ मटेरियल्स में आपको यह दिखाई दे रही है, जो सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स होता है, एक्सेलेटर होता है, एक्टिवेटर होता है, उसके बाद कलरिंग एजेंट, अदर्स केमिकल होता है, उसका प्रोसेस क्या है, और जो भी फॉर्मूला के हिसाब से आपको यहाँ पे मिक्स करना पड़ेगा क्वान्टिटी वाइड करके,